स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में बातें करते हैं। Sammasambuddhassa
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं विभूतं शरणं गच्छामि द्वितीयं विभूतं शरणं गच्छामि द्वितीयं विधम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं विधम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं विसंघं शरणं गच्छामि महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लुम्बिनी बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, वर्षावास चालू है और इसके साथ साथ बिहार का ये भवन निर्माण कार्य भी चालू है। ये भवन निर्माण चालू है, बारिश का समय है, इसके बावजूद भी ये बरसात समय है, वर्षावास समय है और हमें हर रविवार ऐसा कार्यक्रम करना है करके जो निरंतरता दिया, इसके लिए सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। लुम्बिनी सेवा भावी संस्था अध्यक्ष अरुण भोले सर प्रमुख, संपूर्ण कार्यकारिणी सदस्य और साथ देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाओं के अपार श्रद्धा के बल से ये धम्म का कार्य यहाँ चालू हो रहा है। अन्यथा चलो बारिश का समय भी है, पंडित जी भी नहीं है और काम भी चालू है, आगे अगले साल से करेंगे करके भी कर सकते थे, है ना, फिर भी नहीं, दर रविवार एक धम्म प्रवचन मालिका आगे बढ़ना चाहिए। तो इस श्रद्धा से जो ये कार्यक्रम यथावत निरंतर चालू है, इसके लिए आप सभी को महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म के संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद लगे, अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद लगे। आप लोग जीवन में इसी तरह
पुण्य कार्य धम्म कार्य में निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, बुद्ध द्वारा देशित दुख मुक्ति निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए एक शुद्ध पाठ द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के 3 बार साधु साधु बोले। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य सुनन्तु सकमोकदं धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परित धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एते पेशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्था देवमनुसानं बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दितिको अकालिको ये हि पाशिको पनाय को पाचतां वेदिताव्यो विन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उदुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामेचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगाने आता पुरुषभोगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुतरं पुञ्जं केतं लोकसाते एतेन स च वाचेन श्रोतिते होतु सर्वदा एतेन स च वाचेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन स च वाचेन होतु ते जय मङ्गलम् करणीयमाथकुशलेन यन्तं शान्तं पदमपि समे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वानतिमाने सन्तोषको च सुभरो च अपकेचो च सल्लौक उदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगिद्धो न च कुतं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सपे सत्ता भवन्तु सुखिता ये केचिपानुभूता ते दशा वा तावरा वा अनवशेषा दीघा वा एव महन्ता वा मत्स्यमारसकानुकतुला देता वा एवादेता ये च दूरे वा शान्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेषि वा सपे सता भवन्तु सुखिता न परो परं निकोपेता नातिमन्येत कातचिनङ्कञ्चे व्यारोशनापतिकसंज्ञा नान्यमन्या स दुःखमेच्छया
माताये तानियं भूतं आयुषाये कपुतमनुरखे एवं विषभूतेषु मानसं भावये अपरिमानं मेतं च सर्वलोकस्मिं मानसं भावये अपरिमानं उदं अदोचतिरियं च असंवादं अवेदं असपातं तीर्थं चरं निसेन्नो वास्यानो वा यावतः स विगतमेतो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो तेतिं चानुपगतिलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं न हि जातु गर्भशय्यं पुनरेति एतेन स च वज्रेण श्रोतिते होतु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन स च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपता च निर्दुःखाभयपता च निर्भया शोकपता च निःशोका भवन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्ध्या दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरता भवन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलपता पश्येकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूम्बता देवानागा महितिका पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूम्बता देवानागा महितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूम्बता देवानागा महितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सब लोग हाथ जोड़िए बोलिए साधु 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 समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस सुनन्तु सकमोकदं धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स महाकारुणे तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
लुम्बिनी बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, वर्षावास बौद्ध विनय अनुरूप हर जगह पे 3 महीना प्रारंभ है। आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा तक 3 महीना बौद्ध विनय अनुरूप जहाँ जहाँ पूजनीय भिक्षु संघ है वहाँ अधिष्ठान करके 3 महीना वर्षावास रहते हैं, और जहाँ जहाँ विहार है वहाँ वहाँ चाहे ग्रंथ पठन करके हो या धम्म देशना कार्यक्रम करके हो, हर तरह से वर्षावास समय में खूब खूब पुण्य करते हैं। जिस तरह ये वर्षावास बरसात समय में खेत में काम करने वाले हर किसी का प्रमुख लक्ष्य रहता है, जितना हो सके ये समय में खेत में अनेक अनेक बीज डालने का, बोने का। जितना हम बीज बोएंगे उसके 3 महीने 4 महीने बाद उसका अच्छा परिणाम आएगा। खेत में अच्छे से धान बोएंगे तो धान भर भर के फलेगा। अनेक तरह से जो जो हम अन्न बीज फल फूल जो भी लगाएंगे उसका फल मिलता है। इसी तरह ये वर्षावास बौद्ध परंपरा में पुण्य करने का मौसम है, पुण्य करने का समय है। चाहे शरीर से अच्छा करके हो, चाहे वाणी से अच्छा बोल के हो, चाहे मन से अच्छा सोच के हो, पुण्य करने का समय है। चाहे बिहार में हर दिन जाके भगवान बुद्ध को वंदना करके, बाबा साहब को प्रणाम करके, या हर दिन बुद्ध वंदना परित्राण श्रवण करके, या हर दिन ग्रंथ वाचन करके, या उपोष धारण करके, अष्टशील पालन करके, या हर दिन पंचशील पालन करके पुण्य करने का ये समय है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध पुण्य के लिए कहते हैं, दानं ददन्तु सद्दाय, जो भी हम कमाते हैं अपने क्षमता से, चाहे थोड़ा कमाओ या ज्यादा कमाओ ये मायने नहीं रखता, मगर जो भी कमाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा दान पुण्य करो। दान पुण्य आप बिहार में दान सकते हैं, दान दे सकते हैं, बिहार निर्माण कार्य में दान दे सकते हैं, अनेक अनेक गरीब लोगों को दान दे सकते हैं, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, लगाने के लिए, हर तरह से दान दे सकते हैं, मगर दान देने की आदत बनाओ। जितना हम दान देंगे उतना ही हमें अच्छा परिणाम आएगा। माँ कारुणिक तथागत बुद्ध ने दान देने के उपदेश दिया ना, आप लोगों को क्या लगता है बुद्ध ने ऐसे ही सोच के चलो दान दो अच्छा होगा ऐसा उपदेश दिया होगा क्या? नहीं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध स्वयं ने इतना दान दिया, 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमार्थ पारमिता पूर्ण करते समय उन्होंने दान पारमिता पूर्ण किया, अपने पास जो जैसा है सब के सब दान दिया। और दान भी किस तरह, हम कैसे दान देंगे, अपने पास जो है उससे तथागत बुद्ध भी कहते हैं, बाबा साहब भी कहते हैं एक छोटा सा हिस्सा दान दो। मगर तथागत बुद्ध ने कैसे दान दिया, जिस तरह ये बोतल है ना, ये बोतल का ढक्कन निकाल के इसको ऐसे उल्टा करेंगे तो इसमें जितना भी पानी है इसमें पानी रहेगा क्या, बचा रहेगा, सारा का सारा निकल जाएगा। वैसे ही तथागत बुद्ध भी अपने पास जो है जितना है लोगों के हित उपकार के लिए कभी सोचते नहीं, बस आंखें बंद करके दान देते हैं। इतना तो तथागत बुद्ध ने दान दिया, फिर उतना ही नहीं, तथागत बुद्ध ने दान उपपारमिता पूर्ण किया, अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी दान दिया। कभी खून दान देना, कभी शरीर का अंग, चाहे आंखें दान देना हो, ये दान देना हो, कितना कितना दान दिया, उससे भी कल्याणी हुआ। फिर तथागत बुद्ध ने दान परमार्थ पारमिता पूर्ण किया, परमार्थ पारमिता पूर्ण करते समय लोगों के हित उपकार के लिए खुद का जान प्राण देके भी दान दिया। सामने एक भगिनी, उसके बहुत सारे बच्चे हैं,
अभी बच्चे होने की वजह से वो इतना भूखा है, इतना असक्त कमजोर है, वो उठ के आहार के लिए भी नहीं जा सकता, और हालत ऐसा है कि अभी उसका दूध भी नहीं निकल रहा है, बच्चे लोग दूध पी रहा है, दूध भी नहीं निकल रहा है। ऐसे समय में वो भगिनी भी मरना है, बच्चे भी मरना है। ये देख के तथागत बुद्ध उस समय महासत्व राजकुमार अब उसके पास जाके मतलब उन लोगों की जान बचाने के लिए खुद को समर्पित करते हुए अपने आप को खाने के लिए छोड़ दिया। भगिनी इतने कमजोर कि सामने पड़े शिकार को भी नहीं खा पा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, एक तार युक्त कोई कुछ लेके अपना मांस काट काट के उसके मुंह पे डाल दिया। कर सकते हम नहीं कर सकते, इतना जान प्राण दे के कितना दान दिया, परमत्थ पारमिता। ये बुद्ध होने वाले व्यक्ति ही ऐसे दान दे सकते हैं, हम तो दान ही दे सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने सारा दान देने के बाद फिर, अरे दान देने से तो लोगों का कल्याण होता है, खुद का भी कल्याण होता है। लोगों का कल्याण होना तो सेकेंडरी, बाद में की बात है, प्राइमरी मेन चीज क्या है, खुद का ही कल्याण हो रहा है, खुद का ही भला हो रहा है। फिर ये सारे चीज देखने के बाद तथागत बुद्ध ने दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए करके उपदेश दिया। ऐसे ही उपदेश नहीं दिया, दान देने से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारे मन में लोभ है, सब में है, किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा ही है लोभ। जो भी अच्छा देखे, कुछ भी देखे, अरे वाह कितना अच्छा है, ये मेरा होना चाहिए, ये मुझे चाहिए, मेरा मुझे, और अच्छा देखा, अरे ये कैमरा मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, आंखों के सामने है तब तक भावना आए ठीक है, जब दूर हो गया तो भूलना चाहिए ना, नहीं मैंने वहां कैमरा देखा था वो इतना अच्छा, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। अभी इंसान ये लोभ में आसक्त होने के बाद वो कैमरा प्राप्त करने के लिए अभी वो उचित अनुचित योग्य अयोग्य पाप धर्म भी नहीं देखेगा, जो भी करेगा करेगा, मगर वो प्राप्त करना ही है, चाहे चोरी करना हो, चाहे लूटना हो, चाहे ठगना हो, चाहे झूठ बोलना हो, जो भी करना पड़े करेगा। इसलिए जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ अकुशल होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ दुख होता है। इसलिए ये लोभ को दमन करने के लिए, ये लोभ को कम करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, वो क्या है, दान। जो इंसान खुद के मेहनत से खून पसीना बहा के जो कमाया हुआ पैसा दान देता है ना, वो इंसान लोगों को शोषण करके, लोगों को लूट के, लोगों को ठग के, कैसा भी हो मेरा 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 करना, कैसा भी हो अपना ही पैसा जमा करना, ऐसे स्वार्थ नहीं रखेगा, बहुत ही कम रखेगा। इसलिए अगर लोग को दमन करना है तो यही दान देना है, और यही दान देने का उपदेश तथागत बुद्ध ने कहा। तो हम ये वर्षावास समय में दान दे सकते हैं। दान का मतलब ये भी ना सोचे कि तथागत बुद्ध को ही अर्पण करना है, पंते जी को ही दान देना है। आप बिहार में आते हैं, अभी आप लोगों को क्या बताऊं, हमारे गुरुजी आज के समय में इंडिया के सबसे बड़े पंते जी है, पूजनीय भिक्खु ज्ञानेश्वर महाथेरो पंते जी, जो बड़े बड़े उपाधि से उपाधि प्राप्त डॉक्टरेट पंते जी है, वो पंते जी जो बाबा साहब को दीक्षा दिया चंद्रमणि महाथेरो पंते जी, उनके उत्तराधिकारी पंते जी है हमारे गुरुजी। तो वो गुरुजी हमें देखो, हमें भी उपदेश देते हैं, देखो कहीं भी गए बिहार में जाते ही वंदना करना और दान पात्र में अपने श्रद्धा से दान देना। बहुत सारे लोग दान पात्र ही क्यों रखते हैं, दान देने के ही बात करते हैं, ऐसा कहते हैं ना, दान देने से पुण्य होता है, कल्याण ही होता है, दूसरों का नहीं खुद का ही कल्याण होता है। तथागत बुद्ध ने दिया हुआ उपदेश है, बुद्ध वाणी है, तो इसमें किसी का क्या स्वार्थ होगा,
इसलिए जब भी कोई भी बिहार में जाए वंदना करे, अपनी श्रद्धा से दान दे, ये भी दान हो गया। कहीं बिहार निर्माण हो रहा है या बिहार के लिए कुछ भौतिक चीज़ें बन रहा है वहाँ दान दे सकते हैं। हाँ, बिहार में आते आते कोई बच्चे पढ़ रहा है मगर आर्थिक स्थिति से उसका पढ़ाई रोकने की नौबत आ रहा है, तो सब लोग मिलके, क्या बिहार में सब लोग है, एक एक हज़ार भी जमा किया, 20 लोगों ने दान दिया, 20,000 जमा होता है, 20,000 एक बच्चे के लिए साल भर पढ़ने के लिए बहुत होता है, उसका जिंदगी बनता है, जिंदगी भर वो बिहार ने मुझे पढ़ाया हमेशा कृतज्ञ रहेगा, इस तरह से दान दे सकते हैं। भूखे को खिला सकते हैं, नंगे को कपड़े दान दे सकते हैं, कैसे भी हो दान दे सकते हैं, यही देना वही देना उसका कोई ऐसा ही करके नहीं है, बस श्रद्धा चित्त से दान देना, त्याग चित्त से दान देना। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, शील पालन करना चाहिए। शील पता है ना, जिस तरह हमारे शरीर में ये शीर कितना महत्वपूर्ण है, शीर अगर ये शीर नहीं रहा तो ये शरीर का काम ही नहीं, ऐसा नहीं कि ये हाथ का काम नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पेट का काम नहीं है, ऐसा नहीं कि अन्य ये अंग प्रत्यंग का काम नहीं, सबका काम है, पर बिना ये शरीर का क्या, बिना ये शीर का क्या काम, देखने की आंखें शरीर में ही है, सुनने का कान, खाने का मुंह, सूंघने का नाक, सोचने का दिमाग, हर चीज़ ये शरीर है, अगर ये शरीर चला गया तो शरीर का कुछ भी काम नहीं है। वैसे ही सारे गुण धर्मों का आधार है ये शरीर, इसलिए इसको शरीर समान कहते हैं। अगर शरीर नहीं रहा ना तो वो इंसान विश्वास करने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके पास शील नहीं वो किसी को भी दुख दे के बैठेगा, हिंसा करके बैठेगा, जिसके पास शील नहीं वो कुछ भी चुरा के बैठेगा, अच्छा देखा चुरा लिया, मोबाइल देखा चुरा लिया, पर्स देखा चुरा लिया, कौन विश्वास करेगा, किसी को भी बेविचार करके बैठेगा, कहीं भी झूठ बोल के बैठेगा, कहीं भी नशा पता सेवन करके बैठेगा, कौन विश्वास करेगा। इसलिए सारे गुण धर्मों का आधार शिला ये शील है, जब तक हमारे पास शील नहीं रहेगा ना हम न सुगति जा सकते हैं, न दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। शीले न सुगति यंति, शील से सुगति लेके जाता है। शीले न भोग संपदा, शील से भोग संपत्ति धन संपत्ति प्राप्त होता है। शीले न निभूति यंति, शील से सीधे निर्वाण की तरफ लेके जाता है। तस्मा शीलं विशोधये, इसलिए बुद्ध कहते हैं शील को विशुद्ध रूप से पालन करो, जितना सीरियस होके शील को पालन करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। अतः मला सांगा, हमें किसी को हिंसा करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए, फिर हम हिंसा करते हैं कि नहीं, हिंसा करते हैं कि नहीं, करते हैं, बोलना ही थोड़ा सा हम बोल रहे नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे, ये अपने आप में ही गलत बात हो गया ना। इसलिए जब तक हम इस सील को सीरियसली अच्छे से पालन नहीं करेंगे तब तक उसका परिणाम भी अच्छे से नहीं आएंगे। धम्म देशना देते देते एक उदाहरण वहाँ धम्म देशना में निकला, किसी एक व्यक्ति के पास 10 एकड़ जमीन है, कितना है 10 एकड़ जमीन है, अभी 10 एकड़ जमीन जिसके पास टुकड़ा टुकड़ा जमीन है, 10 एकड़ तो बहुत बड़ा हो गया, मगर वो सबके सामने मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, कितना है 10 एकड़ जमीन है, कितना है 10 एकड़ जमीन है, तुम्हारे पास कितना है 2 एकड़, तुम छोटा ही हो, तुम्हारे पास कितना है 5, तुम भी छोटे हो, तुम्हारे पास बस 1,000 स्क्वायर फीट, हाँ बहुत छोटे, तुम्हारे पास कितना 8 एकड़, छोटे, सबको मेरे पास इतना है करके अहंकार अभिमान करेगा, मगर वो खेत में वो कुछ तान नहीं लगाएगा, कुछ अन्न बोएगा नहीं, सिर्फ मेरे पास है मेरे पास है मेरे पास है ऐसा कहता रहेगा, तो उसको कुछ फायदा रहेगा क्या,
कुछ मिलेगा क्या? जिसके पास आधा एकड़ भी जमीन है ना, एक एकड़ भी जमीन है ना, वो अच्छे से खेती करेंगे, ये बरसात समय में अच्छे से अन्न पान वह बोएंगे तो अच्छा उसको फल आएगा। मगर तुम्हारे पास एक एकड़ ही जमीन है, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, ऐसा कहते रहने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यहाँ भी ऐसा ही है। हाँ, मला ये पन ये ते पन ये ते, मला ये पन माहिती है ते पन माहिती है, सर्व माहिती है, ये भी पता है, वो भी पता है, सब पता है, पंचशील पता है, हाँ पता है, चार आरिष्य पता है, पता है, प्रतीति समुत्पाद पता है, पता है, त्रिलक्षण पता है, अनित्य दुख अनात्मा सब पता है, चतुर्ब्रह्म पता है, पता है, हाँ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सब पता है, सप्तरत्न आर्यधन पता है, हाँ, ये श्रद्धाशील हिरी व तप श्रुत त्याग प्रज्ञा सब पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, ऐसा भी पता है, वैसा भी पता है, सारे चीज पता है, मगर वो पालन कुछ नहीं करेगा ना। देखना, सबसे ज्यादा चिंतित, सबसे ज्यादा बेचैनी वही रहेगा जो तम की बात है सिर्फ बोलता है, पालन नहीं करता, पासन करता है पालन नहीं करता, ऐसे बहुत सारे उपासक उपासिका जानते होंगे ना। अगर देखना वो पालन नहीं करते ना, उसको इतना बेचैनी रहेगा शायद सोने के लिए बिना दारू के नींद नहीं लगेगा, है ना। इसलिए सिर्फ पता है ये मायने नहीं रखता, पालन कर रहा है ये मायने रखता है। अभी यहाँ बिहार में हमने अच्छे से हल बना दिया और ये लाइट वाइट भी बहुत मेहनत करके लाइट लगा दिया, और जैसे ही लाइट लगाया आंखें बंद कर दिया, कुछ फायदा रहा वो लाइट का? हाँ, फायदा नहीं ना। वैसे ही दम्म, इतना सही दम्म लोक में मिलना ही दुर्लभ है, इतना अच्छा दम्म बाबा साहब की वजह से हमें मिला, इतना मानवतावादी धर्म, इतना वैज्ञानिक धर्म, इतना दुख मुक्ति के मार्ग, ये धर्म हमें मिला। मगर धर्म मिला, हम बौद्ध 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 कहते रहे और पालन कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा क्या धर्म, ये धर्म उससे अच्छा हमारा धर्म है, तुम्हारा क्या धर्म, ये धर्म, हाँ हम ये बौद्ध धर्म, हम बहुत बड़े, ऐसा कहते रहेंगे तो उसको भी कुछ अच्छा लाभ नहीं होगा। सिर्फ बौद्ध होने से, सिर्फ धर्म को मालूम होने से हमारा कल्याण नहीं होगा, पालन जब तक नहीं करेंगे उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रक्खन्तु सर्वदा, ये शील जो है ना, कम से कम पंचशील, पांच शील अच्छे से पालन करना है। किसी को मारना नहीं चाहिए ना, हाँ, तो नहीं मारने का प्रयास तो कर सकते हैं, हाँ, किसी को मारे बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा काम करने वाला कोई है क्या? है किसी का ऐसा बंद व्यवसाय बिजनेस ऐसा है क्या, पंते जी हम मारेंगे नहीं तो हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते, ऐसा किसी के पास है क्या काम? नहीं है ना, तो फिर क्यों मारना, मारने की जरूरत है क्या? बिना मारे हम जी नहीं सकते क्या? इसलिए बिना मारे भी हम जी सकते हैं, तो इसको प्रयास तो करो। हाँ, बाबा साहब ने संविधान बनाते समय बहुत जगह पे अगर किसी का हिंसा करते हैं तो कानूनन ये अपराध लगता है करके संविधान में भी लिखा है, और 22 प्रतिज्ञा में भी प्राण हिंसा करना नहीं, प्राण हिंसा नहीं करेंगे करके उपदेश दिया है। और तथागत बुद्ध ने तो पंचशील में सबसे पहला उपदेश है हिंसा मत करो करके उपदेश दिया। पालन तो कर सकते हैं, अगर पालन कर सकते हैं तो घर घर में ये मच्छर आता है हमें डेंगू ना हो जाए करके इलेक्ट्रिक बैट रख के झिर 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 क्यों मारते रहना, बहुत सारे लोगों के घर में रहता है ये, हाँ रहता है ना, वो तो मारना ही हो गया ना। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, तथागत बुद्ध हिंसा का जो उपदेश देते हैं ना, अहिंसा परमो धम्म ऐसा उपदेश नहीं देते, मतलब किसी भी हालत में अहिंसा के मार्ग पर चलना यही सर्वश्रेष्ठ धम्म है, ये बुद्धवाणी नहीं है। हम कहीं चलते हैं ना, चलते चलते हमारे पैरों के नीचे आके न जाने कितने कितने प्राणी मर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता पर मर जाते,
क्या उसका पाप लगता है क्या? नहीं लगता। ये हवाओं में माइक्रोस्कोप से देखा तो ये अनगिनत कीटाणु रहता है, जीवाणु रहता है। जब हम श्वास लेंगे, श्वास के साथ अंदर जाता है और हमारे शरीर के गर्मपना से वो मर जाता है, तो क्या श्वास लेने से पाप लगता है क्या? नहीं लगता। जब हम मन साय से करेंगे करके जब तक नहीं करते, तब तक उसका पाप नहीं लगता। अगर हम चलते चलते कहीं वहाँ कीड़ा आ गया, अरे इसको तो मारने में कितना मजा आएगा करके ऐसा ऐसा करके पैरों से मारेंगे, कुचलेंगे, तो वो पाप लगता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। कर्म तभी बनता है जब हम चेतना से करते हैं, मन साय से करते हैं। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक भिक्षु रहता था, चक्खुपाल भिक्षु। वो आंखों से अंधे, सुबह सुबह जब संक्रमण करते हैं, संक्रमण बोले तो एकदम होश रख के मैं पैर उठा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, नीचे रख रहा हूँ, फिर दूसरा उठा रहा हूँ, चल रहा हूँ, ऐसे स्मृति पूर्वक ये चलना, उसको बोलते हैं संक्रमण ध्यान। तो ऐसे संक्रमण ध्यान करते समय अभी घास में बारिश होने से, गीला होने से अनेक कीड़े आ जाता है और ये पैरों के नीचे आके मर जाते हैं। उनको तो पता नहीं, जब श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध को दर्शन करने के लिए अनेक दिशा विदिशाओं से भिक्षु लोग आते थे, तो एक समूह युवक भिक्षुओं ने श्रावस्ती वो बिहार में घूमते घूमते देख लिया कि वहाँ बहुत सारे कीड़े मरे हुए हैं, तो यहाँ कौन चला? चक्खुपाल भिक्षु। अरे उसने कैसे हिंसा किया? अरे वो आँखों से अंधा है। अरे अंधे हुए तो क्या हुआ, उसने नहीं देखा तो क्या हुआ? पर ये हिंसा तो कर रहे हैं ना, प्राणियों को मार तो रहे हैं ना, तो ये तो पाप है, चलो 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 भगवान बुद्ध को बताएंगे। तो बुद्ध को बताने के लिए गया। जब तक आंखें हैं तब तक तो क्या क्या करके बैठे होंगे, अभी धर्म के नाम पे प्राणियों को हिंसा कर रहा है, पाप कर रहा है। तब तथागत बुद्ध वो भिक्षुओं से पूछते हैं, भिक्षुओं ये प्राणियों को मारते समय आप लोगों ने देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। ऐसे ही चक्खुपाल भिक्षुओं ने वो प्राणियों को नहीं देखा और वो अर्हत हो चुके, अर्हत बोले तो दुखों से मुक्त हो चुके, क्लेशों से मुक्त हो सके हो चुके, किसी को मारने का मन शायद जरा सा भी नहीं है, इसलिए वो पैरों के नीचे आके मर रहा है, तो वहाँ पे मैं मारूंगा करके इतना भी चेतना नहीं है, इतना भी इंटेंशन नहीं है, इतना भी मनसा नहीं है, इसलिए वो हिंसा नहीं बनता, वो कर्म नहीं बनता। इसलिए हिंसा पूरा होने के लिए भी तथागत बुद्ध ने पांच अंग बताया है। कितना? पांच अंग परिपूर्ण होना चाहिए। क्या क्या अंग परिपूर्ण होना चाहिए हिंसा होने के लिए? सबसे पहले वो प्राणी जीवित होना चाहिए, जीवित रहा तो मार सकते हैं ना, एक। दूसरा, वो जीवित है हमें भी पता होना चाहिए, अभी चलते चलते मर रहा है, श्वास लेते समय मर रहा है, या बीमार हो गया दवा लेते समय रोग के कीटाणु मर रहा है, ये हमें पता नहीं इसलिए उसका हिंसा नहीं लगता। वो जीवित है तो जीवित है हमें पता होना चाहिए, दूसरा। तीसरा, वो जीवित प्राणियों को मारने की इच्छा होना चाहिए। कभी चूहे देखा, सांप देखा, मुंगी देखा, मच्छर देखा, मारने का मन होता है ना, कितना ये आ रहा है चलो इसको तो मार ही देते करके उसको मार देते हैं, तो मारने का मन होना चाहिए, तीसरा अंग। चौथा, वो जीवित है, जीवित है पता भी है, मारने की इच्छा भी है। चौथा, मारने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी कैसे मारना है वहाँ मेहनत करना चाहिए, मारने के प्रयास होना चाहिए। और पांचवा, वो प्राणी मरना भी चाहिए। ये पांच अंग परिपूर्ण हुआ तो वो हिंसा कहलाता है। जीवित होना चाहिए, जीवित है पता भी होना चाहिए, मारने की इच्छा होना चाहिए, मारने के लिए प्रयत्न होना चाहिए और मरना भी चाहिए, तब जाके वो हिंसा होता है। इसलिए हिंसा न करना ये बुद्ध का उपदेश है, अहिंसा परमो धर्म नहीं है। हिंसा का मतलब किसी को जान से मारना ही हिंसा नहीं है, लोगों को दुख देना, तकलीफ देना, ये भी एक तरह से हिंसा है।
इसलिए जिस तरह हम अपने अपनों से बड़ों से हमें प्यार मिले, हमें आशीर्वाद मिले ऐसे कामना करते हैं ना, वैसे ही छोटे लोगों को खूब मैत्री करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर हम छोटे लोगों को हिंसा करेंगे और बड़े लोगों से हमें प्यार मिले, मैत्री मिले, संभव होता है क्या ऐसा? नहीं ना। इसलिए बड़ों के प्रति आदर सत्कार करो, छोटे के प्रति मैत्री करुणा और आशीर्वाद दो। हाँ, इस तरह चाहे हिंसा करना हो, चोरी करना हो, व्यभिचार करना हो, झूठ बोलना हो, नशा पता सेवन करना हो, ये पंचशील में आता है। ये शील हमेशा पालन करना चाहिए और पालन करने से ही जीवन में सुख और शांति आएगा, ये तथागत बुद्ध का उपदेश है, ये बुद्ध वाणी है। अगर आप लोग ये पांच शील भी अच्छे से पालन करेंगे, जीवन में सुख भी आता है, शांति भी आती है। जितना जितना जीवन में सुख शांति आ रहा है ना, उतना उतना समझ लेना हम अच्छे से शील पालन कर रहे हैं, हम अच्छे से धम्म में आगे बढ़े हैं। और जितना जितना टेंशन पीर चिंता आ रहा है ना, तो समझ लेना बैटरी लो हो गया, पुण्य लो हो गया, पुण्य रिचार्ज करने का समय आ गया। आप लोग यकीन मानिए, अगर पुण्य रिचार्ज करने का समय हो गया और रिचार्ज नहीं कर रहे हैं ना, तो बिहार में बैठ के भी आपको टेंशन ही होगा। कितना भी अच्छे में हो, आप लोग अपने ही धुन में, अरे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ न रहा तो ये उपासिका को थोड़ा सीधा बैठना चाहिए, वो क्यों थोड़ा तिरछा बैठ रहा है, उसी में टेंशन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध तमपद में एक गाथा इस तरह भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरिषो कैरा कैरा थे तं पुनः पुनः तम्मी चंदं कैराथ सुखो पुण्य शौचयो। पुण्यं चे पुरिषो कैरा, इंसान है ना हम, मनुष्य है ना हम, तो हमें पुण्य करना चाहिए, तम करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, शरीर से अच्छा, वाणी से अच्छा, मन से अच्छा करना चाहिए, जितने भी बुरे हैं उससे दूर रहना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, एक बार किया ना अब बस हो गया, अट झाला मला केला ना एकदा, ऐसे एक बार किया करके बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदन कही रहा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्या आशा रख सकते हैं? काम किया तो पैसा मिलेगा ना, हाँ जॉब किया तो सैलरी मिलेगा, बिजनेस किया तो वहाँ प्रॉफिट मिलेगा, मगर ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? तो बुद्ध कहते हैं, सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, खूब महान सुख मिलता है, और वो सुख हमें अभी भी शांति देगा, बीच में भी शांति देगा, अंत में भी शांति देगा। इसलिए जो भी हम तम्म मानते हैं ना, यही सुख शांति के लिए है। अगर तम्म करके ही हमें अशांति मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो वो कैसा तम्म है कि नहीं? इसलिए जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है तो पुण्य करना है, पुण्य करना है तो अपने कैपेसिटी, अपने क्षमता से दान देना है, हमेशा शील पालन करना है। फिर तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, भावना भिड़ता हों तो ध्यान भावना भी करते जाना चाहिए। अभी ध्यान भावना क्यों करना है? हम अभी प्रवचन सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, कितने लोग अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं, हाथ उठाइए। हाँ, और कितने बार हमारा मन बाहर बाहर जाता है, कितने बार? अरे अनेक बार, गिनती नहीं है। कितना भी ध्यान से सुनो फिर भी मन बाहर बाहर जाता ही है, जाना ही है, ये मन का स्वभाव है। इसलिए जब तक ये मन चंचल रहेगा ना, तब तक हम मन के पीछे पीछे ही रहेगा। और मन का स्वभाव जो है ना, एक मक्खी जैसा, मक्खी जहाँ जहाँ गंदी चीज रहता है ना, वहीं भिनभिनाता रहता है, वहीं जाता है, कितना भी अच्छे जगह पे नहीं,
जहाँ गंदगी है, जहाँ वो कचरे का वो क्या बहुत ज्यादा कचरे रहता है ना, ऐसे ऐसे जगह पे ही वो ज्यादा रहता है। तो वैसे ही मन भी जहाँ अकुशल है, जहाँ पाप है, वहीं भागता है, गलत जगह पे ही भागता है। अभी एक सिंपल सी बात बोलो ना, यहाँ पे नया मूवी लगाया, सबको आओ, सब यहाँ के सारे लोग आओ, यहाँ नया मूवी बहुत बड़ा थिएटर करके दिखाने वाला है, बोलेंगे तो लोग खाना छोड़ छोड़ के देखने के लिए आएंगे, मगर प्रवचन होने वाला है आओ बोलेंगे तो गिने चुने लोग ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मन का स्वभाव है। हाँ, इसलिए अच्छे मन पे, अच्छे जगह पे मन ज़्यादा नहीं जाते। इसलिए जब तक मन चंचल रहेगा ना, पुण्य करना बहुत ही मुश्किल है, न चाहते हुए भी अकुशल पाप होता रहता है। इसलिए ये चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, समाधि में लगाने के लिए हमें ध्यान भावना करना चाहिए, हमें साधना करना चाहिए। जब तक ध्यान नहीं बैठेंगे ना, ध्यान के विषय में आप पीएचडी भी कर लो, क्या कर लो, डॉक्टरेट, पीएचडी बोल रहा हूँ, पीएचडी भी कर लो, फिर भी आपका मन शांत नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा। उसके लिए ध्यान साधना करना ही पड़ेगा। तो ध्यान साधना किया तो मन एकाग्र होगा, समाधि होगा, और फिर अशुद्ध मन को परिशुद्ध कर पाएंगे। ध्यान से समाधि बढ़ेगा, समाधि से प्रज्ञा बढ़ेगा, प्रज्ञा से निर्वाण प्राप्ति होगा। इसलिए तथागत बुद्ध एकायनो अयं मग्गो विशुद्धिया, अगर विशुद्ध होना है, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करना है, तो एक ही मार्ग है, ध्यान साधना। बिना ध्यान साधना किए आप लोग यकीन मानिए जिंदगी भर ये बिहार में आते रहे, मैं एक दो महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, बरसावास 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी भर बिहार में आके एकदम ईमानदारी के साथ आप पूजा करो, हाँ ये ध्यान, ये वो परित्राण सुनो, पूजा करो, दान दो, शील पालन करो, मगर ध्यान साधना नहीं करेंगे तो निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाएंगे, दुख मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? ध्यान नहीं बैठेंगे तो खुद को ही नहीं पहचानेंगे, अब खुद को नहीं पहचानेंगे तो हमें क्या करना चाहिए वही पता नहीं चलता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सारे दुनिया के लोग 6 वर्गों में बांट के रखा है, मतलब 6 प्रकार के लोग ही रहेगा जितने भी लोग हैं, या तो राग चरित्र, या तो द्वेष चरित्र, या तो मोह चरित्र, या तो श्रद्धा चरित्र, या तो बुद्धि चरित्र, या तो वितर्क चरित्र। अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने अपने चरित्र के हिसाब से ये 6 प्रकार के लोग हैं। ध्यान दीजिए हम कौन से में आता है। राग चरित्र बोले तो ज्यादा लोभ होना, आसक्त होना, हर चीज आहा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसा लोभ कैरेक्टर को राग चरित्र बोलते हैं। दूसरा है द्वेष चरित्र, हमेशा चिड़चिड़ा होना, हमेशा गुस्सा आना, छोटे छोटे चीजों में भी एकदम गुस्सा करना, ये द्वेष चरित्र। और एकदम अज्ञानता, मूर्खता टाइप, जो भी बोला कुछ पता ही नहीं, ऐसा मोह चरित्र, अज्ञानता। बुद्धि चरित्र, हर चीज बुद्धि से सोचते रहना, बुद्धि से सोचते रहना, ये बुद्धि चरित्र। और श्रद्धा चरित्र, हर चीज जो भी बोले साधु 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 करके स्वीकार करना। अरे तथागत बुद्ध ने कभी जो भी मैंने बोला आंख बंद करके स्वीकार करो ऐसा बोला है क्या? नहीं, बुद्ध कहते हैं मैंने, बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार मत करो, क्योंकि हम मनुष्य है, हम दास बनने के लिए बुद्धम शरणं गच्छामि नहीं कह रहे, धम्मं शरणं गच्छामि नहीं कह रहे, संघं शरणं गच्छामि नहीं कह रहे, हम मनुष्य है, हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में प्रज्ञा है, हर चीज अच्छे बुरे सोच सकते है। इसलिए बुद्ध ने कहा है तो भी अच्छे से चिंतन मनन करके प्रज्ञा से जांच के अच्छा है तो पालन करो, अच्छा नहीं लगा तो उसको एक कोने में डालो। जो भी कहा साधु साधु करके स्वीकार करना, उसी मार्ग में भागना, ये नहीं है।
श्रद्धा चरित्र वाले हर चीज को विश्वास करके बैठता है, हर चीज आंखें बंद करके भी विश्वास नहीं करना। वितर्क चरित्र वाले हमेशा तर्क वितर्क लगा के बैठता है, कुछ भी बोलो ये कैसा, ये क्यों, ये किस लिए, बारिश हो रहा है तो ऐसे कैसे बारिश हो रहा है, हाँ ये टाइम पे क्यों बारिश हो रहा है, रात को ही क्यों बारिश हो रहा है, दिन को तो नहीं हो रहा था, ये तो नहीं हो रहा, अनेक तर्क वितर्क लगा के बैठना, ये वितर्क चरित्र। और ये छह चरित्र में ही सारे लोग आता है, या तो राग चरित्र, या तो द्वेष चरित्र, या तो मोह चरित्र, या तो बुद्धि चरित्र, या तो श्रद्धा चरित्र, या तो वितर्क चरित्र। अभी बोलिए हम ये छह चरित्र में कौन से चरित्र में हम खुद को पता है क्या? ऐसा नहीं कि छह के छह हम में नहीं रहेगा, सारे के सारे रहेगा, मगर एक चरित्र हम में ज्यादा रहेगा। कौन से चरित्र है पता है? वो ध्यान करने से ही पता होगा, इसलिए ध्यान करके अपना चरित्र ये है पता चला ना, तो फिर उस हिसाब से ध्यान साधना करके जल्दी मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जिसका ज्यादा लोभ है, राग चरित्र है, उसको अशुभ भावना करना चाहिए, उसको मरणानुस्मृति भावना करना चाहिए। कोई रहता है ना, देखते ही आहा कितना अच्छा, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जो भी देखे अच्छा है अच्छा है, जो लड़का लड़की में भी एकदम अट्रैक्शन रखता है ना, अटैचमेंट, तो उन लोगों को अशुभ भावना करना चाहिए। जो शरीर के प्रति हम इतना आकर्षण रखते हैं ना, इतना ये तृष्णा रखते हैं, ये शरीर क्या है? ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा शरीर, दिखने में तो अच्छा है, मगर जब ये शरीर बीमार पड़ जाएंगे फिर कैसा दिखेगा? जब ये शरीर मर जाएंगे तब कैसा दिखेगा? मरने के बाद ये पंते जी मुझे पसंद है, मैं साथ में रखूंगा, रख पाएंगे क्या? अरे अरे अरे, थोड़ा दूर रखो या आइस में रखो या दाह संस्कार करो, जल्दी जलाओ, खत्म करो। और एक दो दिन रखा तो शरीर के हर छेद से दुर्गंध बहना शुरू हो जाएगा, ऐसे कहीं एक जगह भी नहीं जहां से सुगंध बहे, हर जगह से दुर्गंध फैलने लगेगा। और उसको और थोड़ा दिन रखे तो ये लास्ट में नीला नीला पड़ के सड़ना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा दिन रखे तो यही शरीर पे कीड़े लगना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा दिन रखे तो वही कीड़े, अपने शरीर से ही उत्पन्न हुआ कीड़ा, वही कीड़ा शरीर को खा खा के कुछ दिन बाद पे सिर्फ और सिर्फ हड्डी बचा रहेगा। ये तो सत्य है, फिर ऐसे शरीर में हम क्या आसक्तपन रखे, क्या राग चित्त रखे? इसलिए कहते हैं जैसे वो पॉलिथीन रहता है ना, प्लास्टिक के थैली, उसको अंदर खूब सारा दुर्गंध रख के एकदम टाइट, एयर टाइट करके उसको पैक किया, तो बाहर से पकड़ेंगे तो नरम नरम लगता है, मगर उसमें सीए जितना भी छेद हुआ ना, उससे दुर्गंध बहेगा कि सुगंध आएगा? दुर्गंध ही आएगा। ये शरीर पे ऐसा ही है, बाहर से खूबसूरत, अंदर से देखे तो दुर्गंध ही दुर्गंध से भरा हुआ, अशुचि से भरा हुआ ये शरीर है। इसी तरह हर एक चरित्र को अनेक अनेक उपाय दिया हुआ है, अनेक अनेक मार्ग दिया हुआ है, अनेक अनेक ध्यान साधना दिया हुआ है। इसलिए ध्यान साधना बैठेंगे तो अपने आप को पहचान पाएंगे, ध्यान साधना बैठेंगे तो अपने आप को पहचान के अभी मुझे कौन से मार्ग में चलना चाहिए, कौन से मार्ग में चलेंगे तो दुख मुक्त हो पाएंगे, वो भी बराबर पता चलेगा। ध्यान साधना बैठेंगे तो हमेशा सजग सचेत होके, कहीं मेरी वजह से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, तकलीफ तो नहीं हो रहा है, पीड़ा तो नहीं हो रहा है, ये भी बहुत अच्छे से देख पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, बाकी सब लोग करे गलत है, गलत कर रहे, और खुद करे तो गलत कर रहे तो भी अच्छा कर रहे, ऐसा ही लगता है ना। कोई अच्छा भी करे तो उसमें भी हम खोट निकालते हैं, मगर खुद
बुरा भी करे तो उसको अच्छा कहने के लिए अनेक अनेक असत्य बोलते हैं, ये हमारी आदत है। इसलिए ध्यान साधना करेंगे तो खुद को जैसा है वैसा ही महसूस कर पाएंगे, जैसा है वैसा ही पता करेंगे। ठीक है, गलत है, क्या हुआ, गलत है पता चला तो कम से कम अच्छा बनने का प्रयास तो करेगा। हाँ, गलत है फिर भी अच्छा है अच्छा है अच्छा है वही जपते रहेंगे तो वो कब अच्छा बनेगा, समझ गया क्या? जो पाप करता है वो तभी पाप से मुक्त हो सकता है जब वो महसूस करेगा कि मैं पाप कर रहा हूँ। पाप करके भी मैं तो धम्म कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ ऐसा सोचेंगे तो वो पाप से अलग होगा क्या, वो पाप छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए पाप को पाप समझो, क्या होता है, हाँ, खुद ने गलत किया तो माफ़ी मांगो, आगे से मत करो, क्या होता है, अच्छा ही होता है ना। हाँ, तो उसके लिए भी ध्यान साधना करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धर्म करेंगे, जितना कुशल कर्म करेंगे, उतना सुख का गारंटी रहेगा, इतना जीवन में सुख और शांति मिलेगा। जितना हम पुण्य से धर्म से दूर 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 हो जाएंगे उतना सुख भी कम होता जाएगा, शांति भी कम होता जाएगा, फिर दुख बढ़ने लगेगा, फिर अशांति बढ़ने लगेगा, फिर याद करना कि पुण्य तो खूब कम हो गया, रिचार्ज करने का समय आ गया। जब हम मोबाइल चलाते हैं ना, दिन भर चलाते हैं, रात होते होते अरे इसका तो बैटरी खूब लो हो गया, अभी रिचार्ज करने का समय आ गया, रिचार्ज करते हैं ना, वैसा ही बार बार बारंबार याद रखना चाहिए जीवन में क्या हो रहा है, क्या खतरा है। अच्छा हो रहा है तो हम पुण्य कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो पुण्य करने का समय आ गया, तो पुण्य करो। चाहे बिहार में जाना हो, धम्म देशना सुनना हो, धम्म की चर्चा करना हो, अपने श्रद्धा से अच्छे जगह पे दान देना हो, सील को अच्छे से पालन करना हो, ध्यान साधना करना हो, जितना भी शरीर से अच्छा करके, वाणी से अच्छा करके, मन से अच्छा सोच के जितना हो सके उतना पुण्य करना चाहिए। और देखना, पुण्य करते ही ऐसे रिचार्ज हो जाएगा कि जीवन में सुख भी आना शुरू होगा, शांति भी आना शुरू होगा। ये प्रकृति का ही नियम है। तम्मो हवे रखति ति धम्मचारी, तथागत बुद्ध कहते हैं, तम्म करने वाले को तम्म ही रक्षा करता है। इसलिए जो भी तम्म करता है ना, उसके जीवन में कितना भी बड़ा मुसीबत आए छोटे छोटे में खत्म हो जाता है। मगर जो तम्म नहीं करता ना, छोटा सा मुसीबत आता है वो जीवन में बड़ा बड़ा बन जाता है। हमें पसंद है क्या ऐसा होना? नहीं। इसलिए जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। जितना धम्म करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, उतना ही जीवन में दुख से अलग हो पाएंगे, अशांति से अलग हो पाएंगे, और उससे अलग होना बोले तो जीवन में सुख भी आना शुरू हो जाएगा, शांति भी आना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, पैसे के साथ रहे, पैसे बिना रहे, कहीं भी रहे, आराम से जी पाएंगे, संतोष के साथ जी पाएंगे। अगर पुण्य नहीं किया तो जीवन में अशांति दुख इतना पीछा लग के आता है, कितने भी पैसा आपके हाथ में हो, कितना भी गाड़ी बंगला आपके हाथ में हो, आप चैन से रह ही नहीं पाएंगे, पूरा बेचैन है, पूरा चिड़चिड़, ऐसा होता ही है, ये प्रकृति का स्वभाव है। इसलिए तम करेंगे तो तम ही हमें रक्षा करता है, इसलिए जीवन में खूब तम करना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, तम करना चाहिए ना। हाँ, तो यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके। चाहे वर्षावास का उपलक्ष्य हो, चाहे संध्या का उपलक्ष्य हो, हमेशा कोई ना कोई उपलक्ष्य लेके खूब सारा पुण्य करना चाहिए, दान अपने क्षमता से देते रहना चाहिए, शील पालन करते रहना चाहिए, ध्यान भावना करते रहना चाहिए, जितना हो सके उतना पुण्य करते रहना चाहिए। और जीवन में
ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन में ऐसा पुण्य धम्म खूब खूब कर पाए ऐसी कामना भी करते हैं, ऐसे आशीर्वाद भी देते हैं। फिर एक बार बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी ये वर्षावास के विषय में या अभी जो धम्म देशना सुने उसके विषय में कुछ धम्म चर्चा करना है तो पूछ भी सकते हैं, कुछ चर्चा भी कर सकते हैं। कोणाला विचारायचं तर विचारू शकते, आम्ही त्यांचं पण थोडा धम्म चर्चा करूया। काय विचारायचं तर विचारा, नाही का? श्रद्धावान उपासक तौले जी पूछते हैं वर्षावास में कितना शील पालन करना चाहिए। सबसे पहले हम अपने आप को उपासक उपासिका मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? मानते हैं। जो भी बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं और जो पांच शील पालन करते हैं उसको उपासक उपासिका कहते हैं। इसीलिए वर्षावास हो ना हो ये पांच शील हमेशा पालन करना चाहिए। पंचशील, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा पता सेवन न करना, ये पांच शील हमेशा पालन करना चाहिए। अभी विशेष रूप से बौद्ध विनय वर्षावास जो आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक चलता है उस समय अगर आप लोगों को शारीरिक, मानसिक या पारिवारिक रूप से सक्षम है या वो अवस्था है, परिस्थिति है, तो 3 महीने तक उपवास धारण कर सकते हैं, अष्टशील पालन कर सकते हैं, 8 शील, 5 शील में और 3 शील, विकाल भोजना 12 बजे के बाद नहीं खाना, फिर नच गीत वादित, ये अनेक तरह से गाना बजा, गाना बोल के इरिटेट न करना, नाच के इरिटेट न करना, माला गंध नहीं लगाना, उच्च आसन मासन बड़े बड़े आसन में न रहना, न बैठना, न सोना, ये 3। और ये 5 शील में भी कामेश मिथ्याचार जो है ना, काम मिथ्याचार व्यभिचार न करना, ये अष्टशील में अब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्य पालन करना रहता है, पति पत्नी भी साथ में नहीं रहना। तो ये 8 शील जिसे उपोषित शील कहते हैं वर्षावास के समय में ये उपोषित शील धारण करना चाहिए। अभी उपोषित शील कितना पालन करेंगे, संभव है आप शारीरिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से सक्षम है, पारिवारिक रूप से भी सक्षम है, तो 3 महीना तक पालन करो, बहुत अच्छा पुण्य है, बहुत अच्छा है। मगर उस तरह से पालन न होता हो तो हर किसी को कम से कम 8 दिन में एक बार शील पालन करना चाहिए, उपोषित शील। 8 दिन में बोले तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के बाद अष्टमी आता है वो दिन, अष्टमी के बाद फिर अमावस्या आता है वो दिन, अमावस्या के बाद फिर अष्टमी आता है वो दिन, ये 4 बार उपोषित धारण करना चाहिए। अगर नहीं, हफ्ते में एक बार भी जमता नहीं, मैं ऑफिस करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, जमता नहीं, तो क्या करे? तो महीने में 2 बार उपवास धारण करो, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन। जिस दिन आकाश में पूर्णिमा ये चंद्रमा पूरा रहेगा और जिस दिन चंद्रमा पूरा नहीं रहेगा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, महीने में 2 बार। अगर उतना भी नहीं होता तो कम से कम महीने में 1 बार तो पालन करो, पूर्णिमा के दिन 1 बार तो पालन करो। इस तरह से
कम से कम महीने में एक बार पालन करना ही है, और करने से हमारा कल्याण ही होगा, इसमें हानि नुकसान कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पांच सील तो पालन करना ही है, हर दिन पालन करना है। अगर कहीं कहीं गलत हो रहा है या पांच सील बिगड़ रहा है तो ध्यान रखो वो बिगड़ रहा है, उसको बिगड़ने ना दो, जितना हो सके उसको करेक्शन करते जाओ, अच्छा करते जाओ। और हफ्ते में एक दिन हो, हर दिन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो 8 दिन में एक बार, नहीं तो 15 दिन में एक बार, नहीं तो महीने में कम से कम एक बार उपोषित शील हस्तशील पालन करो। समझ में आए? हाँ, अंगिन का यह है का अभी बहुत जगह पे यही चर्चा होता है कि नॉन वेज खाना, मांस खाना हिंसा है कि नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ तर्क वितर्क लगाते हैं। जो खाने वाला है खाने के हिसाब से लगाते हैं, जो नहीं खाने वाला है नहीं खाने वाले के हिसाब से लगाते हैं। पर ध्यान से सुनिए, तथागत बुद्ध ने एक्सट्रीम वे अति मार्ग कभी नहीं बताया। शरीर को अति दुख देते जाओ निर्वाण पहुंचेगा ऐसा भी नहीं बोला, शरीर को अति सुख दे दो निर्वाण पहुंचेगा ये भी नहीं बोला, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। इसलिए मांस खाना, नॉन वेज खाना हिंसा है कि नहीं है, इसमें स्पेशली 3 चीज हमेशा याद करना चाहिए। मुझे मांस खाना है करके मैं खुद होके मार के नहीं खाना चाहिए, मारा तो हिंसा हो गया, वो पाप हो गया। एक दूसरा, अभी मारेंगे तो हिंसा हो जाएगा, अभी मैं तो बड़ा हूँ, मेरे अंदर में इतने सारे हैं, कोई नौकर को बुला के ये चिकन ये मटन ये काट के बना के लाओ, मैं नहीं मारूंगा। पर ऑर्डर दे रहा है वो, किसी को ऑर्डर दे के आज्ञा दे के मरवा रहा है, ये भी पाप हो गया क्योंकि डायरेक्ट वो करवा रहे। तीसरा, पहले मारना नहीं चाहिए, मरवाना नहीं चाहिए। तीसरा, कहीं गए और वहाँ पे मांस बन रहा है, नॉन वेज बन रहा है और आपको लग रहा है वो आपके लिए ही काट के या आपके लिए मार के बनाया है, तो ऐसा संदेह भी हुआ, डाउट भी हुआ, तो वो नहीं खाना चाहिए, वो खाया तो पाप लगता है। जैसे कहीं गांव में गया, ऐसा अक्सर होता है ना, गांव में गया, दूर दूर तक वो मांस की दुकान ही नहीं है और वहाँ घर में मुर्गा मुर्गी पाल के रखा है और वही चिकन बना दिया, तो यकीनन आप पाहुना के रूप में आने वाला है, आपके लिए ही वो बनाया है, तो आप खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको भी पाप लगेगा और बनाने वाले को भी पाप लगेगा। ये 3 चीज, मार के खाना नहीं चाहिए, मरवा के खाना नहीं चाहिए, आपको डाउट भी लगा, जैसे कभी हैप्पी बर्थडे करना है, बर्थडे करना है, 100 लोगों को बुलाना है, 100 लोगों को बुलाना है तो 10-20 केजी तो लगता है, तो पहले ही जाके ऑर्डर करेगा कि 20 केजी अच्छा से चाहिए, वो ऑर्डर दिया ना तो वो अपने आप आएगा क्या, तो ऑर्डर दिया ना, मार के ही आपके लिए बनाएगा ना, तो वो पाप है कि धम्म है, वो तो डायरेक्ट पाप हो गया। हाँ, तो मध्यम मार्ग बोले तो क्या है, जैसे कहीं पहले मार के रखा है, डिफ्रिज में रखा है या दुकान में रखा है, अभी वो आपके लिए मारा नहीं है, अभी वो हम ले या न ले वो फिर से जिंदा होने वाला नहीं है, हाँ वो एक सब्जी की तरह हो गया, ये चीज़ खा सकते हैं, अदरवाइज पहले ऑर्डर दे के ये वो खाया तो पाप लगता है। यहाँ भी जो भेज रहता है ना, न खाने वाले, ऐसा भी लॉजिक लगाते हैं, आप लोग खा रहे करके तो यहाँ मार के वहाँ बेचते हैं, अगर कोई खाने वाला ही नहीं रहेगा तो वहाँ मारेगा नहीं तो बेचेगा नहीं, ऐसा लंबा भी खींचते है, वो लंबा चौड़ा हमें ध्यान करके नहीं बेचना। हाँ, वो इतना लंबा चौड़ा करके सोचेंगे ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर अहिंसा परमो धर्म ये बुद्ध का नहीं है, ये जैन धर्म वाले मानते हैं, इसलिए वो लोग नॉन वेज भी नहीं होते, हर जगह जाते हैं तो मास्क लगा के ही जाते हैं, झाड़ू लगाते लगाते आगे बढ़ते हैं ताकि वहाँ किसी को मारने की ही नौबत ना आए। इसलिए इतना लंबा सोच के बैठेंगे तो जी नहीं पाएंगे, तो क्या ये
हवा में रहने वाले कीड़े मरेंगे करके श्वास ही लेना छोड़ दे क्या? हाँ, रास्ते में कोई कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे आके न मरे करके चलना छोड़े क्या? बीमार हो गया तो दवा लेना छोड़ दे क्या? खेतों में काम करना छोड़ दे क्या? इतना हम एक्सट्रीम वे अति मार्ग पे नहीं जाते। कम से कम ये तीन चीज ध्यान में रखना है। हाँ, जितना हो सके न खाए तो क्वेश्चन ही नहीं है, और खाए तो भी स्मृति रख के ये चीज को ध्यान में रख के खाना चाहिए। और कुछ है तम से संबंधित कुछ बातें पूछना है तो ये भी अच्छा ही रहेगा, आपको भी अच्छा रहेगा और लोगों को सुनने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो कुछ है तो पूछिए। हाथ जोड़िए, बोलिए साधो साधो साधो। आज हमने लुम्बिनी बुद्ध विहार में ये संदे तम प्रवचन में आके जितना भी हमने पुण्य किया धम्म किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म के अनुभव से आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद से खूब खूब पुण्य कर सके, दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तीन बार साधु साधु बोलिए। सबेतियो विवजन्तो सप्परोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पचितं द्वियं क्षिप्रमेव समेचतु सर्वे पुरेन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य संपाति सर्ग संपाति में अतो निब्बान संपाति इमिनाते समेचतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वंदामि सर्वदा। आज के ये विशेष कार्यक्रम में लुम्बिनी सेवा भावी संस्था के अध्यक्ष अरुण घोरे सर, उपाध्यक्ष लिम्बाजी है ना, हाँ वो भी है, और बहुत सारे कार्यकारिणी भी आए हैं। इसी तरह अभी मेरा वर्षावास वहाँ औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद से भी हमारे उपासक आए हैं सिद्धार्थ। एक बार उठिए, ये सिद्धार्थ उपासक जो हमारे साथ आए हैं, उन्होंने एयरपोर्ट के सामने एक कासलीवाल पूर्वा करके कॉलोनी है, वहाँ पे दो नंबर का रो हाउस, ये पंते जी को रहने के लिए दान दिया है, तो उसको ही हम सिद्धार्थ बुद्धिस्ट गेस्ट हाउस करके वहाँ रखे हैं। वहाँ वर्षावास का कार्यक्रम भी होते हैं हर दिन, आप लोग लाइव देखते हैं कि नहीं, वहाँ लाइव भी वहीं सेटअप करके रखा है, वहाँ हर दिन वहाँ से लाइव होता है, और हफ्ते में एक बार और दो बार बाहर से उपासक उपासिकाएँ भी आके वहाँ धम्म देशना सुनते हैं, और वहाँ समय समय पे बहुत सारे भंते लोगों को बुला के हम भोजन दान देते हैं। हाँ, तो लास्ट ईयर न जाने कितने बंदे लोग बुलाया, अभी ये उपासक का टारगेट है, हाँ कम से कम ये वर्षावास के अंदर 300 बंदे लोगों को भोजन खिलाना है करके
अधिष्ठान किया है, 300 बनते, 300 बोले तो 300 अलग अलग नहीं मगर 300 बनते लोगों को भोजन देना है, इस तरह से भी अधिष्ठान किया है। तो वो उपासक भी यहाँ आए हैं और उनके साथ साथ यहाँ ये एक उपासक चौहान साहब विजय चौहान भी आए हैं, वो दिल्ली पुलिस में अभी इंस्पेक्टर है, हाँ तो वो भी औरंगाबाद में रहते हैं, दिल्ली में भी करे वहाँ भी रहते हैं, तो यहाँ आए हैं। बाकी सब लोग तो जाना पहचाना ही हुए है ना, और ये दिल्ली से वो सास्ता उपासक है हाँ आकाशदीप, वो तो यहाँ बिहार में आते रहते हैं, हाँ सब लोग जाना पहचाना ही है, इसलिए पुण्य करते जाना है, खुद भी करना है दूसरों को भी करवाना है। बोलिए साधो साधो साधो, सब लोग साथ में पढ़िए, नाथि मे शरणं गच्छामि, बुद्धो मे शरणं वरं, एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मङ्गलं, नाथि मे शरणं गच्छामि, धम्मो मे शरणं वरं, एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मङ्गलं, नाथि मे शरणं गच्छामि, सङ्गो मे शरणं वरं, एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मङ्गलं, साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वंदामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज या ठिकाणी पूजनीय भजंत इंद्रवंशी महादेव यांनी आपली अतिशय सुंदर प्रकारे अशी धम्मदेशना दिल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो। तसेच लुंबिनी सेवा संस्थेच्या वतीने शिशुराव कांबळे यांना विनंती करेन की पंतजींना धम्मदेश द्यायचे। Gracias.
Buddhang namami, Buddha ko naman karta hoon. Dhammang namami, Dhamma ko naman karta hoon. Sanghang namami, Sangha ko naman karta hoon.